आज हम कर रहे हैं अपने 12वें दिन की शुरुआत और यहाँ हम इस होटल में रुके थे और अभी सब गियर अप हो चुके हैं। अरविंदर सिंह निकल रहे हैं, मैं भी गियर अप हो चुका हूँ। एक हमें कर्नाटका का भाई बेंगलोर का और मिल गया है साथ में, तो वो भी हमारे साथ ही जाएगा। पेट्रोल हमने जो है वो इसमें पूरा भर लिया है। पेट्रोल हम अपने साथ में काफ़ी ज़्यादा कैरी कर रहे हैं, तकरीबन 20-25 लीटर, क्योंकि हमारी जो बाइकें हैं वो एवरेज बहुत कम देती है, तो इसलिए एक मिनट भाई। चलो भाई, हर महादेव, जय श्री राम। पेट्रोल के जो हम बड़े बड़े कैन लेके चल रहे थे उनको उसने कन्वर्ट कराया एक एक लीटर की बॉटल्स में, तो हमें काफ़ी हेल्प मिली उससे। तो अरविंदर सिंह, आज हम कौन कौन से मुश्किल रास्ते क्रॉस करने वाले हैं? सर्च में बहुत सारे हैं, रोड ही ऐसे हैं कि जहाँ पे रोड ही नहीं है। रोड ही ऐसे है जहाँ पे रोड ही नहीं है, एग्जैक्टली सही कहा। तो आज तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर की जो राइड है वो होने वाली है ऑफ रोडिंग, प्योर ऑफ रोडिंग, जहाँ पे ना तो रोड है ना रोड का नामो निशान है। तो मोस्टली राइडर जो है वो सिर्फ इसी सरचू पास की वजह से ही यहाँ पे लेह लद्दाख में आते हैं, एडवेंचर के लिए आते हैं। तो हमारे कई सारे राइडर जो दूसरे ग्रुप वाले थे, जैसे अनुराग भाई हमारे, तो वो इसको मिस कर गए। उनको लगा कि ये वाला जो इधर का रूट है वो बंद है, तो इधर वो नहीं जा पाएंगे। लेकिन हमने जैसे तैसे करके हमने यही सोचा था कि भाई वापसी उसी रास्ते से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो भाई साहब दूसरे रास्ते से जाएंगे। सेम रास्ते से जाना थोड़ा सा अजीब लगता है, मज़ा नहीं आता। तो चलते हैं मनाली के रास्ते। आज मैक्सिमम जितना क्रॉस हो पाएगा हम उतना करेंगे। कल हमें कैसे भी करके मनाली पहुंचना ही पहुंचना है, तभी हम आगे की फिर अपनी जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे। और उसी से जैसे ही हम चलेंगे कुछ तकरीबन 12-13 किलोमीटर बाद जो आता है वो आता है नेहरू गांव। नेहरू गांव क्रॉस करने के बाद ये सुंदर सुंदर वादियाँ आपको मिलेंगी। नेहरू गांव से आप सीधा सीधा चलते जाओ, रोड कहीं कहीं पे ठीक है, कहीं कहीं पे कुछ गड्ढे हैं, तो थोड़ा सा जब आप ड्राइव करो तो थोड़ा सा केयरफुली रहना, क्योंकि एकदम से प्लेन रोड है, प्लेन रोड के बाद एकदम से गड्ढे आ जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हो गया हमारे साथ जो कर्नाटका वाला बेंगलोर वाला भाई था हमारे साथ, उसकी बाइक खराब हो गई। और वहाँ जाके मैंने क्या किया, तकरीबन हम जा चुके थे 40-50 किलोमीटर दूर, वहाँ जाके मैंने चेक किया तो मेरी बाइक की जो की है वो नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ देखते देखते वापसी, शायद जहाँ से हमने राइड स्टार्ट की थी वहीं पे कहीं गिर गई, क्योंकि वहाँ पे मैंने बैग के इसके अपना जो पैंक बैग होता है इसके ऊपर रखी थी, तो मैं कुछ बैग में सामान डालने लगा और मेरे को लग रहा है कि फिर मैं उसको जो है वो बैग में अंदर डालना भूल गया। और वायरलेस होती है तो स्टार्ट तो हो गई और उसके बाद मैं लेके चलता बना। तो अभी यहाँ आके जब चेक किया तब पता लगा कि भाई साहब चाबी तो है ही नहीं। वो बाई चांस जो हम हैं वो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए कि जब भी कहीं आप लंबी दूरी पे जाओ, लॉन्ग राइड पे जाओ, तो आपकी बाइक की जो स्पेयर की है, जो सेकंड की है, वो आप हमेशा साथ में लेके जाओ। जैसे मेरी बाइक की स्पेयर की अरविंदर के बैग में थी, अरविंदर की बाइक की स्पेयर की मेरे पास थी। कल जैसे क्या हुआ, कल हम जा रहे थे तो अरविंदर की बाइक की जो की है वो मुड़ गई, टेढ़ी हो गई। तो अगर हमारे पास स्पेयर की नहीं होती तो होती बड़ी दिक्कत। और आज सेम वही मेरे साथ हुआ। तो आज अगर नहीं होती मेरी बाइक की स्पेयर की हमारे पास, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। अभी मैं जा रहा हूँ वापसी जिस होटल में हम रुके थे वहाँ पर एक बार चेक करने के लिए कि वहाँ पे गिरी हो, उनको किसी को मिली हो, क्योंकि यार डुकाटी की जो की है ना वो बहुत कॉस्टली है, तो बिना वजह का पंगा हो जाएगा। और दूसरी की बनना भी इसका इतना इजी नहीं है, बड़ी मुश्किल है दूसरी की बनना भी।
वो कंपनी में फट सारी डिटेल भेज के तब दूसरी सेकंड की बनवानी पड़ती है, बहुत पंगे होते हैं। से पहुंच चुका हूं उपसी, जहां पे ये सुंदर सा ब्रिज था, सुंदर सी नदी थी। तब यहां पे मैं चेक करूंगा कि भाई चाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहां पे हम इस वाले होटल में रुके थे, तो यहां पे मैं एक बार चेक कराता हूं कि यहां से मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की थी चलाना, तो यहां पे मैं इनसे पूछता हूं, क्योंकि इन्होंने आई थिंक साफ सफाई की हुई है यहाँ पे, तो हो सकता है शायद इनको जो है चाबी मिल गई हो। होल्ड करो, कहाँ गए भैया? अरे कोई बाइक की चाबी मिली क्या यहाँ पे? भैया कहाँ है? रूम में बुलाना एक बार, बुलाना एक बार। कोई चाबी मिली क्या? हाँ चाबी तो नहीं मिली, बट एक थैला है जिसमें काजू वालू। नहीं नहीं काजू वालू नहीं, यहाँ पे जब मैं बाइक खड़ी थी ना सुबह सामान रख रहा था, तो उसकी शायद चाबी गिर गई कहीं पे यहाँ पे। हाँ मैंने सोचा आपने सफाई वही की हो, यहाँ पे मिली हो। देखना खोलना इसमें है क्या कुछ। नहीं यही जब मैं बाइक पे सामान लगा रहा था ना, तो शायद यही गिरी वो। यहाँ पे सफाई किसने की है? नहीं नहीं यहाँ पे झाड़ू लगाया किसने क्या? रूम में देखो एक बार। बड़ा नुकसान हो गया ये तो। हाँ हाँ यहाँ पे दे देना अगर मिलेगा तो भैया को। इसी रास्ते पे ही है? यही रास्ते पे है, आप देख जाओ, देख देख जाओ। अच्छा ग्रीन कलर की गाड़ी होगी उनके पास है, बड़ा वाला है ना? रोड पे ही है? रोड पे है, इस साइड में वो पत्थर लोड कर रहा है ना, उसके पास है। उनके पास है? फिर इधर जाने के बाद पूछना था उसको। मैं पूछते हुए दो तीन बंदों को मैंने पूछा, बीच में आंटिया भी थी तो उनको भी पूछा। हाँ। फिर मैं वहाँ पे गया आगे जो वो होटल है जहाँ से हमने शुरू किया था। हाँ। वहाँ पे पूछा, रास्ता में उसको मिला। ठीक है मैं उससे पूछ लेता। थैंक यू झूले झूले थैंक यू। ठीक है थैंक यू भाई, लगता है काम हो गया। ग्रीन कलर की गाड़ियाँ बता रही है मैडम, ग्रीन कलर की गाड़ियां हैं और उन गाड़ी वालों के पास शायद है चाबी। ओके तो ग्रीन कलर की गाड़ी, अब मेरे को चाबी नहीं ढूंढनी है, मेरे को ग्रीन कलर की गाड़ी ढूंढनी है जो पत्थर लोड कर रही है रोड पे। ग्रीन कलर की गाड़ी, ओके जी ग्रीन कलर की गाड़ी ढूंढो, ग्रीन कलर की गाड़ी। आंटी एक यहाँ पे वो ग्रीन कलर की गाड़ी है जो पत्थर लोड कर रही है, वो कहाँ पे है? ग्रीन रंग की गाड़ी थी जो पत्थर लोड कर रही थी, आगे कर रही है क्या? आगे है ना? अच्छा वो वाली है। अच्छा ठीक, उनके पास चाबी है एक, उसकी मोटरसाइकिल की एक चाबी है। आगे भी है? अच्छा पहले इनसे पूछ लेता हूँ, पहले इनसे पूछता हूँ भाई। एक तो हमें ये यहाँ मिल गया, रुको अभी इनसे पूछ के आता हूँ पहले। अब फिर मैंने रास्ते में कुछ लोगों से पूछा, आंटियों से, तो उन्होंने बोला एक ग्रीन कलर का ट्रक है उनके पास है, तो वो भैया के पास है चाबी। मिल गया? क्या हो गया इसमें, क्या हो गया? कहाँ से? तो ट्रक तो आगे से भी मिल जाता तुम्हें। रुक दो मिनट मैं चाबी लेके आ रहा हूँ। बंद हो रही है तो स्टार्ट नहीं हो रही। अरे ये भी झमेला है भाई, थैंक गॉड मेरी चाबी मिल गई। ओहो नीले हरे ट्रक वाले भैया, तुमने तो
बचा लिया मेरे को। अब इसको भाई को मैं क्या वो करूं, धन्यवाद। हाँ आपको कहाँ पे मिली ये? ये बाइक के बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक्चुअली ना हम इधर से जा रहे थे तो कहीं शायद रास्ते में गिर गई, मैं वापसी गया फिर वहाँ पे। वो आगे कौन सी जगह पड़ती है? तुलसी में होटल पे अभी गया, होटल पे पूछ के आया तो होटल वालों ने बोला कि नहीं हमारे पास तो नहीं है। तो अभी मैं आ रहा था ना रास्ते में, दो तीन आंटियां थी, मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला आगे जाओगे ना एक भैया मिलेंगे ट्रक वाले, वो ट्रक वाले भैया के पास मिलेगी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मनाली जा रहे हैं? हाँ मनाली जा रहे हैं। फिर रास्ते से वापस आना पड़ा? वापस आना पड़ा ना। वो तो शुक्र है मेरे पास ना एक्चुअली दूसरी चाबी थी, ये एक स्पेयर की थी एक्स्ट्रा। अच्छा तभी सोचा, मैं सोचा एक गाड़ी का होगा तो भेज। हाँ नहीं ये इसका बाइक का है। अच्छा बाइक का है ना। हाँ ये दिखती गाड़ी के जैसी है, ये बाइक की है। मैं वहाँ पे वापसी गया तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि वहाँ पे ट्रक वाले भैया होंगे उनसे जाके पूछो उनके पास है। तो आप क्या अकेला था क्या? नहीं नहीं हम दो बंदे थे, बल्कि तीन थे। इसकी बाइक खराब हो गई, अभी वापसी जा रहा है। हाँ ले में ऊपर चला। हाँ ले में वापसी जाएगा, वहाँ से फिर कोई ट्रक करेगा, ट्रक से फिर अपनी बाइक जो है वो तब लेके जाएगा आगे, ऐसे करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरी क्या बोलते हैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप में देने वाला था उधर गांव में जाके। अच्छा सबको शेयर हो जाएगा? हाँ सबको पता चल जाएगा कैसे है। हाँ तब मिला होगा आपको। ठीक है भैया, थैंक यू थैंक यू। लॉन्ग लॉन्ग ला अजीब है। आप लोग मनाली से आ रहे हो तो कैसा है रास्ता इधर? नहीं नहीं आए मनाली साइड से हो ना? 50 किलोमीटर के बाद पूरा खराब है। 50 के बाद पूरा खराब है? और कहाँ से कहाँ तक खराब, कितने किलोमीटर खराब है? 150 किलोमीटर। हाँ वहाँ तक अच्छा है, उसके बाद खराब है। कितने किलोमीटर का स्ट्रेच है बीच में? 70 कह रहा हूँ ना, 70 किलोमीटर का खराब बता रहे। तो बर्फ वगैरह आइस वगैरह है? नहीं है आइस नहीं है। ओके जो आपको पास दिख रहा है बिल्कुल वो सामने वो है तांगलांग ला, यहाँ से उसका फर्स्ट व्यू आता है। और वो जो उसके साथ साथ में आप वहाँ पे रोड देख रहे हो उस रोड पे हमारे को जाना है। और लुप लुप हो रही है भैया लुप लुप, पर जाना है तो जाना है क्योंकि रास्ता भी ये हमने चुन लिया है जाने के लिए, तो फिर हम और कुछ कर भी नहीं सकते। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो अब जब उखल में सर दे ही दिया है तो मौसम से क्या डर रहा। चलते रहो ऊपर वाला तुम्हारे साथ है। When you dream, do you see beautiful rays of light shimmering, guiding you through the night? Light is harder to find. I promise I'll always be there. I'll remind you when you close your eyes. If they send for me tomorrow, even if I leave right now, you'll find comfort there in knowing whenever in doubt, you can find me when the lights turn out. When the lights turn out. बर्फ को हटाने का काम, हटाने का या रोड पे लाने का काम, पता नहीं क्या कर रहे भैया। रोड पे बर्फ ही बर्फ आ गई है भैया, हटा रहे हैं क्या कर रहे हैं? ऊपर से गिर गई क्या? काट रहे हैं ना उसको। आराम आराम से चलना भाई, टायर स्लिप होने का डर है। आराम से
फर्स्ट गियर में ले और लेफ्ट से ना लेके राइट से लेना है इधर से। हाँ आराम से आराम से आराम से, स्लो स्लो चलेगा तो ठीक, नहीं तो टायर स्किट मारेगा। हल्का हल्का है, हल्का हल्का, और हाँ हैंडल मत मोड़, सीधा रख हैंडल तब चल। हल्का हल्का रख, स्पीड हाफ क्लच लेके, हाफ क्लच लेके, हाफ क्लच, हाफ क्लच, हाफ क्लच, हाफ क्लच, हाँ हाफ क्लच में नहीं, हाफ क्लच में नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। स्टैंड लगा ले, स्टैंड लगा ले, स्टैंड लगा ले, टेढ़ी हो रही है तो। सांस ले पहले, सांस ले दो मिनट। लेफ्ट में मत लेके जा, राइट में रख, रोड जो है राइट में। हाँ पीछे ले ले आराम से, आराम से ले। हाँ ले ले ले, बस अब हल्का सा मोड़, हल्का सा मोड़, अब चल हाफ क्लच में, हाफ क्लच में। इधर ले पूरा, रुक जा पीछे करता हूँ उसका, पैर जमाने दे। बस अब इधर काट, रुक जा। हाँ अब इधर ले, आराम आराम से, आराम से हाफ क्लच लेके। गिरेगी नहीं, गिरेगी नहीं, पीछे से पकड़ता हूँ, रुक रुक जा, रुक जा। आराम से सांस मत ले, चल चल चल, स्किट हो रही है। हाँ रुक जा, मैं बस बस ठीक है, चल 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 चल, आराम से आराम से आराम से, बस। हाँ गुड, सांस चढ़ गई ना। हाँ हो, हम भी 8 से 10 फीट ऊंची दीवारें खड़ी है यहाँ पे, इस मौसम में भी, इतनी तेज धूप में भी। भाई साहब लेह लद्दाख का रास्ता जो है ना, इतना इजी नहीं है जितना इजी हम सोच रहे थे और जितना इजी लोग बोल रहे थे। तो ये हम पहुंच चुके हैं भाई 17,582 फीट की ऊंचाई पे, टैंग लैंग ला टॉप पे, जो है यहाँ पर लिखा हुआ देखो, यू आर पासिंग थ्रू सेकेंड हाईएस्ट पास ऑफ द अनबिलेबल रोड्स, अनबिलेबल रोड टैंग लैंग ला 17,000+ की हाइट। तो अब यहाँ से हम बढ़ लिए हैं आगे सरचू की तरफ, सरचू मनाली। सरचू यहाँ से कुछ होगा आई थिंक 130 के आसपास, 130-140 किलोमीटर के आसपास। सरचू थोड़ा सा टफ है, वो क्रॉस करेंगे देन फिर पहुँचेंगे मनाली। ऑक्सीजन कम है थोड़ी, और इन वादियों में हम घूमते रहो भैया, घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते। वाह कितनी अच्छी अच्छी लोकेशन है, रोड बहुत अच्छी, अभी तक फिलहाल तक तो हमें रोड अच्छी मिली है, और सामने लोकेशन हमें बहुत ज़बरदस्त मिली है, बहुत अच्छी लोकेशन मिली है। टैंक जो है यहाँ से वो 39 किलोमीटर है, और आई थिंक सरचू रह गया हुआ यहाँ से कुछ तकरीबन 110 के आसपास, और चले जा रहे हैं हम भी मस्ती में। इतनी अच्छी लोकेशन पे भाई साहब ड्राइव करने का मजा भी अलग ही है। वाह कोई हेल्प चाहिए भाई साहब, सब ठीक है, गाड़ी आ रही है कुछ खाने पीने के लिए, सब है, सब परफेक्ट। क्या हो क्या गया, स्टार्ट नहीं हो रहा। ओहो पीछे भी 2-3 ट्रक खड़े थे, उनमें भी यही प्रॉब्लम है, आर्मी वाले नहीं वैसे जो आते हैं ना सामान ले जाके, उनमें ही प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, चलो जी जय हिंद। जय हिंद।
स्टार्ट नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी आई थिंक। हमारे आर्मी के जवान लगे हुए बोल रहे हैं कि हमने दूसरी जो है वो गाड़ी को बुला लिया है और वो दूसरी गाड़ी आ रही है, वो शो करके लेके जाएगी। सब है उनके पास, सैटेलाइट वगैरह उनके फोन से अलग रहते हैं, उनके पास सब कुछ ठीक रहता है। तो उनकी गाड़ी आई थिंक ट्रक उनका खराब हो गया था, तो पूछा हमने उनसे उनको कोई हेल्प चाहिए हो, कुछ खाने पीने की चीज़ें हो या किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई सब है, और उन्होंने इमरजेंसी के लिए अपनी दूसरी गाड़ी को ही बुला दिया। भाई साहब व्यू देखो, नज़ारे देखो, सितारे देखो, सन्नाटा जबरदस्त। और ये आगे हमारे भाई का बॉय, वो मैन बहुत बढ़िया। हवा काफी तेज है यहाँ पे और नजारे बहुत सुंदर, पूरा नीला आसमान। आ गए हम कहाँ, नीले आसमान के तले। तो भाई हम पहुंच गए थे पांग और यहाँ पे हमने कुछ हल्का फुल्का कुछ खा पी लिया है, और खाने पीने के बाद दोबारा से रेडी हो रहे हैं। थोड़ी सी ठंड है यहाँ पे, कुछ और नए दोस्त भी मिले हमारे को, वो थोड़ा सा आगे हैं हमारे से, ये निकल पड़े हैं। वो हमारे अरविंदर सिंह की बाइक पे हम जो है वो बैग सेट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं किसके? नहीं वो मोटे वाले हैं, डबल वाले चाहिए, ठंड तो नहीं आ गई। चलो देखते हैं भाई आगे कितनी ठंड मिलती है, क्या है, सरचू तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, उसको देखते हैं। और ये अब डबल डबल जैकेट, डबल डबल सब कुछ लाइनर वगैरह पहननी पड़ रही है, हवा बहुत तेज़ है, विंड ब्लास्ट भी आई थिंक आ रहा होगा कैमरे में। और यहाँ से सरचू कितना है अरविंदर, 100 के आसपास तकरीबन 100 किलोमीटर बचा हुआ है सरचू। तो आज हमारा यही फोकस है कि कैसे भी करके हम सरचू जो है वो क्रॉस कर ले सरचू पास, क्योंकि वो ही एक सबसे टफ बचा हुआ है। बाकी जितने भी टफ पासिस थे या टफ रूट्स थे वो हम सारे कवर कर चुके हैं। उसके बाद जो है हम हिमाचल में एंटर कर जाएंगे, और हिमाचल में एंटर करने के बाद ना तो ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम है और ना ही रोड की कोई प्रॉब्लम है, ना पेट्रोल की कोई प्रॉब्लम है। अभी हमने जो एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी किया था, 5 लीटर तेल हमने जो है वो 5 लीटर पेट्रोल हमने डाल दिया है अपना निंजा में, और 5 लीटर हमने डाल दिया है अपना डुकाटी में। तो ऑल सेट, चलते हैं आगे, मिलते हैं आपसे हाईवे पे। अरविंदर सिंह कम ऑन बेबी, बहुत टाइम लगाते तुम, ढीले आदमी हो, जल्दी आओ, चलो भाई हाईवे पे। टीले रेत के टीले, ऐसा लग रहा है कि किसी ने डिजाइन किया, वो कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। हर एक मोड़ पे एक नई हमें जो है वो मिलती है, क्या बोलते हैं उसके भाई अरविंदर सिंह, नई तरह का दृश्य देखने को मिलता है, राइट? फोटोजेनिक नई नई चीजें देखने को मिलती है, दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ और है, थोड़ा सा आगे जाएंगे उधर कुछ और अलग तरीके से दिखेगा, थोड़ा सा और आगे जाएंगे कुछ और अलग तरीके से दिखेगा। तो देखो अभी इधर आ गए तो इधर में नॉर्मल टीले वाले पहाड़ आ गए, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो और ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ जाएंगे। बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, मई जून के महीने में भी यहाँ पे खूब बर्फ है। ये देखो हर जगह बर्फ, हर जगह बर्फ, हर जगह बर्फ, क्या गजब माहौल है। ला चांगला पास पे, और ये 16,616 फीट की ऊंचाई पे, और आई थिंक शायद इसी को ही 12 लाचा भी बोलते हैं, अभी पहले चेक करना पड़ेगा ये है या कोई और है। ला चांगला टॉप 16,616 फीट, और अभी हम
आगे की तरफ बढ़ने लगे हैं। चलो आगे देखते हैं। आइस के संकेत आगे हैं इंजन पे, आइस के संकेत की तुम बर्फ में हो। ऑफ रोडिंग के साथ साथ हमें, ओहो भैया वाटर क्रॉसिंग, वाह। किधर से लेना है अब? राइट से, राइट से होके जाएंगे। अच्छा भैया बोल रहे रुक जाओ, कहाँ से बुलाएगा, नीचे से क्या? इधर से ही आना है ना, इधर से। टॉप से नकीला टॉप की कितनी ऊंचाई थी अरविंदर सिंह, पढ़ी है तुमने? 15,547 फीट की ऊंचाई थी नकीला टॉप की। और अभी हम नकीला से आगे बढ़ रहे हैं सरचू की तरफ, और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फट रही है ठंड में हमारी। गई दो बंदों की जान और पत्थरों को और खाई को हुआ भारी नुकसान। सारे पत्थर जो इसमें थे सारे गिर गए, मालिक का हुआ मोटा नुकसान, ड्राइवर फरार, क्लीनर फरार। एल स्टार है। हाँ। लग गए। ये भाई बहुत दिन पहले का है, इसका तो इंजन विंजन भी निकाल के ले गए इंश्योरेंस वाले शायद। हाँ भाई साहब क्या खाई है लेफ्ट में, वाह। बाइक उतार सकते भाई, उतार के क्या करूंगा मैं यहाँ पे, उतार तो लूंगा चढ़ाऊंगा कैसे। नया कीर्तिमान स्थापित कर देते हैं, यहाँ से चढ़ सकती है, ऐसा कोई दिक्कत है ना, नया कीर्तिमान स्थापित कर दे। गाटा लूप्स का आपने नाम सुना होगा, गाटा लूप्स मतलब चौमिन की तरह, बिल्कुल मैगी की तरह ऐसे घूमे हुए रोड। ये देखो वो वहां से ऊपर से आई, फिर वहां से गई, फिर वहां से ऐसे, फिर उधर उधर, और फिर वहां से नीचे। इनको बोलते हैं गाटा लूप्स, मैगी की तरह घूमी हुई रोड। चलो गाटा लूप्स की मैगी खाते हैं, मजा लेते हैं। ये अपना सरचू पहुंचने से कुछ तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर पहले ही आपको ये वाली रोड्स मिलेंगी, जो आपको खूब आपको मैगी का आनंद देंगी, घूमी हुई बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी सी रोड। इतनी अच्छी सी, इतनी सुंदर सी, खुला खुला ग्राउंड, ये पूरा है सरचू। और यहाँ से, हाँ यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे रहने लायक जगह नहीं है क्योंकि ठंड बहुत होती है, बर्फ बहुत पड़ती है।